दोस्तों आरती के वजह से ही समाज पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आरती को ही देखा देखी बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैल रही है बिहार में, बहुत ज़्यादा लोग कांड कर रहे हैं। इसी तरीके से एक अंजलि की क्या अनुष्का और अभिषेक की कहानी है, मुझे लगता है कि इसी को देखने पे लोगों का जो बच्चे हैं अभी इस जनरेशन का, लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आरती तो चालाक और चालबाज है, अपना तो काम निकाल लिया, भले इसकी पूरी फैमिली क्यों ना फांसी की सज़ा हो जाए, मगर ये इसको हम बोल सकते हैं स्वार्थ। उसने उस टाइम समाज की चिंता नहीं करी, समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा, खुद के बारे में सोचा सेल्फिश की तरह, और अभी भी सेल्फिश की तरह है। बोल रही थी कि हम जिंदगी भर छोटू का विधवा बन के रहेंगे, जो कि हमेशा पल में इसका जो है बयान बदल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में फ्यूचर में वो बयान भी बदलेगी कि उम्र कैद की सज़ा दे और फांसी की सज़ा हमारी फैमिली को ना दे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो अपने बयान पे बदलते हुए, मतलब जिसे होता ना कि चमेली की तरह अपना बयान बदल रही है, रंग बदल रही है। उस टाइम बोल रही थी कि मैं जोश में आके बोल दिया, गरज गरज ये बोल रही थी, जोश में आके बोल रही थी, जो अभी बोल रही है कि उस टाइम स्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा बोला, मतलब अपने आप को पब्लिसिटी पाने के लिए मतलब कुछ भी बोलते रहेगी। आरती की वजह से समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों आरती से जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इतना जल्दी शादी क्यों किया, और हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में मृत्यु होती है तो उस घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, तो आपको ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी जो आपको शादी करना पड़ा, जो जवाब सुन के आप भी अपना छाती ठोक के रह जाएंगे। और मतलब आरती को तो गाली बिना दिए जाएंगे नहीं। यहाँ पे समाज को कोस रही है कि समाज की वजह से हमने शादी किया, समाज की वजह से हमने शादी किया। तो वही जब आरती प्यार जब कर रही थी तो उस टाइम उसको समाज ने दिखा था कि अगर कुछ कांड हो जाता है तो उसमें हमारा माँ बाप का इज्जत जाएगा, हमारा तो जाएगा ही जाएगा। तो उस टाइम समाज ने दिखा था। अभी छोटू का 4 महीने ही हुआ था, उसने शादी कर लिया, तो अभी समाज का बदनाम कर रही है कि समाज के वजह से ही हमने शादी किया, समाज ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला। आरती बहुत चालाक लड़की है, आप खुद सुनिए कि आरती ने क्या जवाब दिया रिपोर्टर के कहने पे। जो उठ रहा है पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में 1 साल के बाद जब किसी की मृत्यु होती है तभी शादी की जाती है घर में। ये इनके भी परिवार के लोगों को समझना चाहिए, ये आपको भी समझना चाहिए था, क्योंकि आपने खुद उनको अपनी विधवा बताया था, सबसे पहले आपको उनकी विधवा बताया था। तो 1 साल जब तक नहीं पूरता है हिंदू धर्म में तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, शादी तो दूर की बात है, मुंडन तक नहीं होता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 4 महीने के बाद ही आपने शादी करने का फैसला ले लिया। धर्म में क्या चीज होता है, धर्म का क्या परिभाषा है, तो फिर सिंदूर क्यों लगा? सिंदूर सुनिए ना, परिभाषा नहीं तो फिर सिंदूर क्यों लगाते? अरे वही ना बोल रहे हैं, धर्म का बात जो किए तो यहाँ पे कल मान के चलिए संपीड़न हो चुका है, आज शादी सारा चीज हुआ है। कहाँ हुआ? हुआ है कि लेकिन जिस घर में बच्चे मरते हैं, जिस घर में बच्चे उसका माता पिता कम से कम 1 साल नया काज नहीं होता ऐसा शादी की बात। तो आपने आरती का जवाब सुन लिया, एक किसी से नहीं बहुत ही जबरदस्त लड़की है, बहुत ही चालबाज और चालाक लड़की है। देखने रिपोर्टर के बोलने पे किस तरीके से घुमा फिरा के उसने जवाब दिया, बोली कि आज सब कुछ मतलब कल घर में कोई मरा और आज शादी हुआ, ऐसा तो कहीं पे होता नहीं है। मगर इसने घुमा फिरा के रिपोर्टर को जवाब दिया और अपना ही जिद पे अड़ी हुई है कि समाज की वजह से हमने शादी किया, समाज की वजह से हमने शादी किया।